हेलो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैंकिंग सेक्टर में बैंक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने उस बैंक के शेयर खरीदे हैं तो मैं बोलूँगा अभी के अभी जाके या तो मंदिर में, हॉस्पिटल्स में, कहीं भी आप डोनेट कर दो। यार जो भी पैसा बचा है डोनेट कर दो, रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, घुट घुट के मर जाओगे। ठीक है, तो वो बैंक कौन से हैं जिसमें आप सब लोगों ने पैसा लगाया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने पैसा नहीं लगाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये सोच के पैसा लगाते हैं मार्केट में कि मैं छोटे से छोटे स्टॉक में पैसा लगाऊंगा तो आने वाले 5 साल में या तो 10 साल में मुझे अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये सोच के लोग पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहला बैंक का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, वो है दोस्तों अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक का प्राइस बहुत कम था, बहुत कम। ये जब दोस्तों 26 या 24 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था, तो किसी ने मुझसे सजेशन लिया था कि मैं क्या करूँ, अलाहाबाद बैंक का जो शेयर है वो मुझे बहुत अच्छे और सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मैंने बोला कितना सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो बोले सर वो तो मुझे 24 या 25 के 6 के प्राइस में मुझे मिल रहा है, 25 या 26 प्राइस में मुझे मिल रहा है। मैंने बोला सर अगर कल को वो 15 हो गया तो, वो बोले कि नहीं, बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैंने बोला जो गिर चुका है वो और गिर सकता है, लेकिन जो संभलने का कोशिश कर रहा वो नहीं गिर सकता है। कहीं पर भी आप देख लो, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा देता है, सोचते हैं कि मैं 10 सालों तक पैसा लगा दूंगा, कुछ नहीं होगा यार। लेकिन 10 सालों तक भी इसका देख लीजिए, कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। हालांकि 10 साल में इसने आपका पैसा जो है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 91% अगर मान लेते हैं तो ये आपको चारों तरफ से डुबा दिया। अगर आपने बैंक में FD कराया होता, फिक्स डिपॉजिट, तो वहां पर आपका पैसा डबल हो जाता दोस्तों। यहां पर आपको क्या है, जो था वो भी चला गया, मतलब 200%। अगर आपने 1 लाख रुपया डाला तो 2 लाख का आपको नुकसान हो गया। तो ये कौन सा बैंक था दोस्तों, ये अलाहाबाद बैंक था। दूसरा बैंक कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें भी देख सकते हैं हर एक तरफ रेड रेड, मतलब कि दोस्तों लाल कलर आपको हर एक तरफ दिखाई दे रहा है। और ये भी दोस्तों कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं दिया है। अगर 3 ईयर्स के अंदर अगर डेटा देखे दोस्तों, तो 53, मतलब कि आधा पैसा आपका ऐसे ही चला गया। ठीक है, 50% आपका ऐसे ही चला गया, और कहीं पर भी 1% का भी आपको प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा दोस्तों। तो ये दूसरा बैंक है जिसमें मैं आपको बोलूंगा अगर आप लोग ऐसे बैंकों में पैसा डाल रहे हो तो इससे अच्छा है कि FD करा लो। ये दोस्तों रिस्क नहीं है, रिस्क लेना, लेने का मतलब होता है पैसा बनाना। लेकिन वो लोग, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, ये स्टॉक छोटा है और कितना गिर सकता है, रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है तो ऐसे स्टॉक में डालूंगा। आप जैसे PC ज्वेलरी का एग्जाम्पल ले लो, बहुत दिनों से दोस्तों वो 30 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था और सोच रहे थे इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, बहुत लोग पैसा लगा दिया। आज के डेट में 15 आ गया दोस्तों। 15 का 7 भी हो सकता है, 7 का 2 भी हो सकता है, 2 का 1 भी हो सकता है, ठीक है, डूब सकते हो चारों तरफ से। तो जो गिर रहा है उसके ऊपर पैसा मत लगाओ, जो संभल रहा है उसके ऊपर पैसा लगाओ, ठीक है। तो ये दूसरा स्टॉक था दोस्तों जिन्होंने भारी नुकसान दिया है इन्वेस्टर को। उसके बाद तीसरा स्टॉक भी जल्दी आपके सामने आ रहा है, यहां पर देख लो, यस बैंक। यस बैंक ने तो दोस्तों बहुत लोगों को, मतलब जो बिलीफ सिस्टम था उसको भी तोड़ दिया है। तो यस बैंक में कुछ लोगों की नाराजगी अभी भी है, तो मैं बोलूंगा देखो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो क्वालिटी वाले बिजनेस में पैसा लगाओ, भले ही आप वहां पर 10 के जगह एक शेयर खरीदो, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 1। हाँ दोस्तों, 10 इज इक्वल टू 1 होता है, बिलीव करो चाहे मत करो, ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है जो क्लास में फर्स्ट मारता है, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो वो सारे मिल के मार्क्स नहीं ला पाते हैं जो फर्स्ट मारते हैं, तो ऐसे भी होता है, 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं अगर आप यस बैंक के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो किसी किसी और अच्छे, मान लीजिए ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे ऐसे बैंकों के आप एक शेयर खरीद लो, तो ये तो आपको सेफ्टी रहेगा ना कि हाँ भाई आने वाले दिनों में आपको जो पैसा नहीं डूबेगा, चलो मान लेते थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट होगा लेकिन डूबेगा तो नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा बैंक था जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और ये जो तीसरा है दोस्तों, कर्नाटका बैंक, ठीक है, कर्नाटका बैंक भी, इसका असेट क्वालिटी तो अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये लोगों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं देता लेकिन फिर भी मार देता है। किस तरह, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 10 सालों के अंदर 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 10 सालों में तो पैसा डबल कर देना चाहिए, किसी भी बैंक में FD कराओ। तो ये बैंक था। उसके बाद मैं आपको चाहता हूँ कि चार्ट दिखाऊँ, ठीक है,
सबसे पहले हम दोस्तों यस बैंक के चार्ट देख लेते हैं। यस बैंक के चार्ट देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे किसी भी स्टॉक का जब प्राइस गिरना स्टार्ट होगा आप उनसे सजेशन लोगे तो वो ये बोलेंगे भाई 5 या 10 सालों के लिए रख दो, आपका पैसा कुछ भी नहीं होगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, टेंशन मत लो, आपका पैसा रिकवर भी हो जाएगा और आपको डबल प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो लोगों को जब ये सुनने को मिलता है तो वो छोड़ देते हैं, ध्यान हटा देते हैं, बस वो फोकस जो होता है ना उनका गोल जो होता है वहां से वो अपना ध्यान हटा देते हैं और उसके बाद उनको इतना हेवी नुकसान होता है, तब समझ में आता है कि अपने लाइफ का 10 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए 10 साल, 10 साल का रिटर्न मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ 10 ईयर्स का दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए हमारे पास लाइफ लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, वक्त लिमिटेड है, भगवान ने इंसान के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है वो है टाइम। आप कुछ भी करो लेकिन टाइम चलता रहेगा, आप सोते रहो टाइम चलता रहेगा, काम करते रहो टाइम चलता रहेगा, कहीं पर जाके दोस्तों गप्पे सप्पे मार लो कुछ भी करो टाइम चलता रहेगा, यहाँ तक कि भगवान की पूजा भी कर दो फिर भी टाइम चलते रहेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए, ये जो आपने 10 ईयर्स कहीं पर अगर आपने खो दिया तो दोस्तों नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा था कि आप पैसे लगाने में कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिमाग लगाने में पैसा लगाते और अच्छे से अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक खोजते तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि लंबे समय के लिए पैसा रख दो। अरे यार लंबे समय के लिए कितना पैसा रख दूँ, वो क्या है एक दोस्तों एक मतलब बचने का तरीका है जो उन्होंने आपसे पूछा, एक बचने का तरीका है। देखिए आप किसी से पूछते हो भाई आपने खाना खाया तो वो क्या बोलेगा, खा सकता हूँ खा सकता हूँ, मतलब खा सकता हूं का मतलब समझ में नहीं आया। अगर आप शेयर मार्केट में किसी से पूछोगे कि भाई ये शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, मान लीजिए यस बैंक का प्राइस जो डिक्रीज हो रहा क्या हो सकता, हाँ बढ़ सकता है भाई तुम 10 साल के लिए रख दो, बढ़ सकता है। तो कोई यहां पर ये नहीं बोलेगा दोस्तों, जैसे कि आपने वहां पूछा खाना, आपने खाना खा लिया तो वहां पर ये जवाब मिलेगा आपको हाँ या ना। तो यहां पर भी आपको शेयर मार्केट में एक ही जवाब मिलना चाहिए, या तो हाँ या तो ना, यस या नो, लेकिन यहां पर क्या मे बी मे नॉट बी में आपको आंसर दिया जाएगा और कंफ्यूजन दोस्तों आपको डायलेमा में डाल दिया जाएगा, इतना बड़ा कंफ्यूजन बस आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है यार बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि बहुत ज्यादा चांस है कि ये स्टॉक का ऊपर जाने जाएगा, जब दोस्तों वही स्टॉक का प्राइस नीचे आ पड़ता है तो लोग बोलते हैं भाई मैंने तो बोला था कि ज्यादा चांस है, मैंने तो ये नहीं बोला था कि वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें जिनको खुद पे बिलीव नहीं है, मान लीजिए उनको जब खुद पे बिलीव नहीं है तो वो दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना सबसे पहले 100% देना। उसका बाद ये है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देख लीजिए, जब यहां दोस्तों 80 120 के लेवल में आया था, ठीक है देख लीजिए 120 के लेवल में आया था, तो उसके बाद फिर से देखिए इसने जंप मारा था और चला गया था दोस्तों 200 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक डाउनफॉल आया, फिर अपर सर्किट गया, तो ये क्या होता है अप डाउन होता है। तो ऐसे स्टॉक में जब दोस्तों अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो कुछ लोग ये सोचते हैं अच्छा स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, इतना अच्छा बाउंस बैक मारा था 120 से दोस्तों ये 200 चला गया था, पैसा डबल ही करने वाला था, इसी बैंक में पैसा लगाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोस्तों तालाब में मछली मत मारो, जो तालाब में मछली मारते हैं उनको मेहनत कम लगती है और जीते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनके पास टाइम भी लिमिटेड रहता है कि आप 1 महीने तक या 2 महीने तक अच्छे से अपना जो है जी लोगे, खा लोगे, पी लोगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको मरना ही है, दूसरा तालाब आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जो समुद्र में जाके मछली मारते हैं ना उनको एक अच्छा सा हैबिट हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है और उनका पूरा लाइफ सेटल हो जाता है। तो आप सोच लीजिए आपको 2 महीने के लिए सेटल होना है या पूरा लाइफ के लिए सेटल होना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी देख लीजिए कर्नाटका बैंक, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कर्नाटका बैंक देखिए जब ये गया था दोस्तों 90 रुपीज के आसपास, 90 से 180 चला गया था, बहुत अच्छा जो है इसमें अपर सर्किट देखा गया था। तो ये जब भी जाता था अप डाउन, लेकिन आपको ये देखना था फाइनली ये किधर जाता है। जब भी हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक में खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो हम मैं आपको बस डेटा दिखा रहा हूं, जज आप खुद ही कर सकते हो। यहां पर देख लीजिए दोस्तों ये क्या है, अलाहाबाद बैंक दोस्तों, ये कभी जो 110 रुपीज के प्राइस पे जो है ट्रेड किया करता था लेकिन आज के डेट में ओनली 11 रुपीज, सोचिए उनको कितना नुकसान हुआ होगा जिन्होंने 10 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ दिया होगा। लेकिन हम कुछ अच्छे कंपनी में रिस्क नहीं लेते हैं दोस्तों, आप रिस्क वहां लो जहां पर आपको रिस्क कम हो और प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा हो, वहां पर आप पैसा लगाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता था।
कि आप अगर ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम आपका है, और दोस्तों आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा। सोच लीजिए, टाइम भी लिमिटेड है, आप कुछ भी करो लेकिन आपका टाइम चलता रहेगा। तो अगर आप ऐसे स्टॉक में पैसे लगाते हो तो आप ये मत सोचिए कि आपको कम से कम मल्टीबैगर स्टॉक स्टॉक जो है ढूंढना है। आप ये सोचो कि जो स्टॉक में मैं पैसा डालूँ कम से कम 1 साल के अंदर मुझे 50 या 100% का रिटर्न, 1 साल के अंदर, ठीक है? आप 1-2 महीने के अंदर 100% का रिटर्न मत एक्सपेक्ट करो, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, ठीक है? तो ये था दोस्तों मेरा डेटा जिसमें मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप ये सारे स्टॉक में पैसा डालना चाहते हो और कल के दिन में थोड़ा बहुत अपर सर्किट भी लगता है तो सोच लीजिएगा एक बार पैसे डालने से, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि दोस्तों इससे अच्छा वो स्टॉक था, अगर आप खरीदते तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा से रिटर्न भी मिल जाता और आपको जितना पैसा डाला था उससे बेटर, मतलब उससे भी अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता, ठीक है? तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मिस हो जाए, ठीक है?